हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, आपने टाइटल देख लिया है, आप समझ गए हैं कि आज मैं आपके सामने हॉल वीडियो लेकर के आई हूँ, जो कि किचन से रिलेटेड बहुत सारा सामान है। आप सब जानते हैं मैंने अभी अपना घर शिफ्ट किया है, मैंने अभी नए घर आई हूँ मैं, तो किचन में बहुत सारी चीजें हमें जरूरत थी, मुझे जरूरत थी। मेरे किचन में कुछ भी नहीं था, हमने फर्निश्ड घर लिया है बट किचन में सिर्फ गैस ही थी, तो उसके लिए मैंने कुछ अपने घर से रिलेटेड बहुत सारा सामान मंगाया है। तो मैंने सोचा आज मैं आपके सामने एक किचन हॉल लेकर के आती हूँ, जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं। हम जब घर शिफ्ट करते हैं, जब किचन में नए किचन में एंटर करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ती हैं। तो मुझे भी जरूरत पड़ी, मैंने अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें मंगा ली हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं एक बहुत ही यूनिक चीज शेयर करने जा रही हूँ। वैसे आपने बास्केट बहुत सारी देखी होगी, बट मैंने अमेजोन पे ये बास्केट देखी जो कि कैप के शेप की है। ये देखिए, बिल्कुल कैप जैसी है, और यहाँ पे इसके छोटे 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 से ऐसे होल दिए हुए हैं, तो आप इस पे राइस भी वॉश कर सकते हैं, आप इसमें वेजिटेबल वॉश कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक ये पिक किया है, तो मेरा फर्स्ट आइटम ये हो गया। सेकंड मैं बात करूँ तो मैंने मंगाए हैं ये कुछ ऐसी ट्रे हैं, जो कि आप अपने टेबल पे रख सकते हैं। मैंने उस पे देखा जो इसकी इमेज बनी हुई थी कि इसके ऊपर एक डोंगा रखा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें गरम रखा जा सकता है, बट मैंने अभी तक इसको यूज नहीं किया है। मैं यूज करूंगी तो मैं आपको अपने ब्लॉग में जरूर बताऊंगी कि इस पे गरम रखने पे ये पिघलता तो नहीं है। अभी तो मैंने इसीलिए मंगाया है कि मैं अगर टेबल पे बैठ करके खा रही हूँ, डाइनिंग टेबल पे, सोफे पे, कवर मतलब टेबल पे, तो ये मेरी जो टेबल है वो ना चिटके, इसके लिए मैंने ये शीट मंगाई है। तो ये हो गया मेरा सेकेंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैंने मंगाया है यहाँ पे एक वाइपर। बहुत छोटी छोटी सी माइनर चीजें हैं बट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ये मैंने नेक्स्ट वाइपर मंगाया है, स्कॉच ब्राइट का है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने इसको वाइप करके देखा था, बहुत अच्छे से ये पानी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये क्लिप्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी चीज है बट मुझे लग रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कोई नमकीन का पैकेट खोला या दाल का पैकेट खोला, तो उसको जो बच जाता है आप इसको इस तरह से पैक करके, जिप लॉक बैग जैसे नहीं है हमारे पास, तो आप इसे इस तरह से लॉक करके रख सकते हैं। तो इसमें 3 साइज हैं, ये देखिए ये सबसे बड़ा साइज है, उसके बाद ये उससे छोटा है, देन उससे भी छोटा ये साइज है। तो इसमें 3 साइज हैं जो कि अवेलेबल हैं, कलर भी अलग अलग हैं। तो मेरा नेक्स्ट परचेज ये है, और ये सारा सामान मैंने अमेजोन से लिया है। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हॉल माई हॉल स्टोर करके एक लिंक मिलेगी, आप ये सारा सामान सिर्फ एक जगह लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या चीजें ली है। तो जो मेरा नेक्स्ट परचेज है वो है ये ऑयल की बॉटल है, ये 1 लीटर की बॉटल है, काफी अच्छी है, स्टडी बॉटल है। तो मैं तो नॉर्मली सरसों का ऑयल यूज करती हूँ अपने किचन में, तो आप इसको ओपन करके एक बार अंदर इसमें भर दीजिए, देन आप इसको बंद करके यहाँ से आप ऑयल इसके निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अब स्टील की एक ऑयल की बॉटल भी ले लेती हूँ, तो नेक्स्ट मैंने ये लिया है। तो ये तो हो गया छोटा मोटा सामान जो कि मैंने अपनी किचन के लिए लिया है। अब मैं आपको एक बड़ा आइटम भी दिखा देती हूँ कि मैंने अपनी किचन के लिए क्या लिया है, वो है ये हॉकिंस का कुकर है। तो मैंने मेरे पास एक छोटा सा कुकर था जो कि 1.5 लीटर का था, तो मैं अभी तक उसी से ही अपना काम चला रही थी। तो ये मैंने 3 लीटर का कुकर है हॉकिंस का, ये मैंने लिया है, और आई थिंक ये 1200 समथिंग का था, तो मैंने इसको ले लिया है, और ये काफी अच्छा है। मैं भी मैंने इसको यूज नहीं किया है, नया सामान था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ पहले हॉल इसका शेयर कर देती हूँ, देन मैं फिर इसको यूज करना स्टार्ट करूंगी, तो वो आप मेरे व्लॉग में देख ही लेंगे। सो ये मेरा नेक्स्ट परचेज है। तो नेक्स्ट मैंने लिया है हांडी सेट, जो कि 5 बाउल का सेट है। ये है वो हांडी सेट, ये देखिए इसमें 5 बाउल हैं, 5 प्लेट है। ये 799 का था, मतलब कि 800 का है। तो दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, तो सबसे बड़ा वाला साइज जो है वो ये है, और उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा मैंने आप अभी अपने किचन में उसको यूज करा है, सो वो मेरे किचन में है, आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो उससे छोटा ये है और सबसे छोटा ये है। तो 5 बाउल का ये सेट है, और इनके साथ प्लेट्स भी है, ये अच्छा है। बहुत स्टेडी नहीं है, मैं बोलूंगी बहुत हैवी नहीं है, क्योंकि इसमें का सेट मेरी मम्मी के पास है जो कि काफी स्टेडी है, मतलब काफी हैवीपन है, बट इसमें हैवीपन नहीं है।
बट ठीक है यूज करने के लिए। मेरे पास कुछ नहीं है बर्तन, तो अब मैंने मंगा लिया तो मैं इसको रिटर्न तो नहीं करूंगी। तो ये मेरा नेक्स्ट परचेज है। तो मेरी जो नेक्स्ट परचेज है वो मेरा ये है, स्टील का डाइनिंग सेट। मैंने आपको दिखाया था कि मैंने, सॉरी, डिनर सेट। तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने एक डिनर सेट मंगाया था, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम थी ना, वो मैंने आपको दिखाया था कि उसमें फॉर्क अलग आया था, तो मैंने उसको चेंज कर दिया है। वो भी अमेजोन से ही था बट मैंने उसको चेंज कर दिया है। अब मैंने मंगाया है ये 6 का सेट है, मतलब 6 ग्लास, 6 प्लेट, 6 क्वार्टर प्लेट, 6 बाउल, इस तरह से करके है। इसकी क्वालिटी वाले से ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये इसका छोटा बाउल है और साथ में फॉर्क हैं, 6 फॉर्क हैं। ग्लास भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बड़ा साइज है ग्लास का। इसके पहले वाला जो था वो थोड़ा छोटा ग्लास था, तो वो मैंने कहा चेंज ही कर देती हूँ। और इसके इसके साथ आपको दो ये स्पून भी मिलते हैं, सर्विंग स्पून है, तो राइस वाइस अगर सर्व करना है तो इसके साथ ये भी मिला है। और इसकी प्लेट भी बड़ी वाली बड़ी है, ये देखिए, ये बड़ी प्लेट है इसके साथ, तो मेरे को ठीक लग रहा था तो मैंने ये मंगा लिया। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये ब्रश वाला, ब्रशिंग करने ऑयल ब्रश है, मतलब किचन में आप इसको यूज कर सकते हैं, तो मैंने ये नेक्स्ट मंगाया है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं मैंने ये मंगाया है, ये हमारे किचन के लिए डब्बे हैं कि आप इसमें दाल, चावल या फिर छोले राजमे भर सकते हैं, जो कि 1 kg से ज्यादा ही है, तो ये आराम से मैं इसको अपने किचन में सामान रख लूंगी। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये चाय का चायदान, जो कि कांच के लिड के साथ आता है, जो कि काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा स्टेडी है और इसको आराम से आप यूज कर सकते हैं। 7-8 कप तो आराम से इसमें चाय बन ही जाएगी। तो ये है मेरा नेक्स्ट परचेज। सो गाइज, आई होप आपको मेरी ये छोटी सी शॉपिंग अच्छी लगी होगी। छोटी तो नहीं कहूंगी क्योंकि मैंने काफी सारा सामान इस बार अमेजोन से मंगाया है अपने किचन के लिए। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा इंडियन ब्लॉगर बुलबुल को, आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज, हॉल और ब्लॉग्स देखने के लिए। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट देते रहिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोग के अच्छे अच्छे कॉमेंट्स देख करके। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Bye.